वेलकम टू माई YouTube चैनल BROK के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिग बॉस लीग 2022 का फिफ्थ T20 मैच के बारे में। दोस्तों ये मैच होने वाला है सिडनी थंडर और एडिलेड टाइगर्स के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 16 दिसंबर को इंडिया टाइम के अनुसार 2:45 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम सिडनी में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। पहली टीम सिडनी थंडर की बात करें तो जहां 5 मैच 3 मैच लॉस और 2 मैच विन करके आ रही है। वहीं दूसरी टीम एडिलेड टाइगर की बात करें तो 5 मैच 4 मैच विन है, 1 मैच लॉस करके आ रही है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम फॉर्म। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैचेज में। तो पहली टीम सिडनी थंडर की बात करें तो जहां 6 मैच जीत के आ रही है, वहीं एडिलेड टाइगर 4 मैच जीत के आ रही है। ये रहे दोनों टीमों के हेड टू हेड। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में। तो ओवरऑल चेक करते हैं तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज चेक करें तो सिडनी थंडर का 70% है, तो वहीं एडिलेड टाइगर का 80% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो सिडनी थंडर का 162 है, तो वहीं एडिलेड टाइगर का 160 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो सिडनी थंडर का 209 है, वहीं एडिलेड टाइगर का 188 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो सिडनी थंडर का 123 है, वहीं एडिलेड टाइगर का 129 है। तो ये रहे दोनों टीमों के टीम कंपेरिजन लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी, क्लाउडी रहेगी, 14.5 डिग्री सेल्सियस रहेगी। वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 65% रहेगी, वहीं 17% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं पिच की ओर। पिच का बात करते हैं तो इस पिच का एवरेज स्कोरिंग 150 है। जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग करना पसंद करेगी, आप बॉलिंग भी कर सकती है, वो डिपेंड करता है उस टीम के कैप्टन के ऊपर। अगर कैप्टन सही डिसीजन लेंगे तो मैच अपने नाम लेकर जा सकती है। अगर इस पिच पे देखें तो टोटल अभी तक 28 मैच प्ले किए गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो इस पिच पे काफ़ी अच्छे डिफेंड में काफ़ी अच्छे रन बनाए जाते हैं। इस पिच पे जो भी टीम टॉस जीत के बैटिंग करती है उस टीम की स्पीड पे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। वहीं बॉलिंग वाली टीम की बात करें तो जो भी टीम टॉस जीत के बॉलिंग करेगी तो उस टीम की यहाँ पर थोड़ी स्ट्रगलिंग करनी पड़ सकती है रन बनाने में। तो यहाँ का पिच जो भी सरफेस है काफ़ी बाउंसर होगी, इस पर बॉल काफ़ी अच्छे बाउंस करेंगे। अधिकतर मैच डिफेंड हुई है, काफ़ी अच्छे मैच डिफेंड हुए हैं। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। पहली टीम सिडनी थंडर की बात करें तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है, फर्स्ट मैच खेल के आ रही जो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ जीत के आ रही। वहीं बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी टीम एडिलेड टाइगर की बात करें तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है, ये भी बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी ज़बरदस्त होगा, इंटरेस्टिंग होगा, जैकपॉट की भी संभावना बन सकती है इस मैच में, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में आएंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉल्स पे। अब चलते हैं फिर दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम सिडनी थंडर के की प्लेयर की बात करें तो एलेक्स हेल्स, डैनियल सैम, जैसन सांगा, एलेक्स रोज। वहीं दूसरी टीम एडिलेड टाइगर के की प्लेयर की बात करें तो क्रिस लिन, हैरी कॉनवे, राशिद खान, एडम होज। ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर्स जो आज के मैच में परफॉर्मेंस अच्छी कर सकती है। अब आगे बात करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए एडिलेड टाइगर हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।